अमेरिका ने पाकिस्तान को हराकर किया बड़ा उलटफेर। इन तीन खिलाड़ियों की बदौलत यूएसए ने मारी बाजी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रनों का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी 20 ओवर में 3 विकेट पर 159 रन बनाए। बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम अमेरिका के खिलाफ हार गई। अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रनों से हराया। इस हार के बाद पाकिस्तान की खूब फजीहत हो रही है। दरअसल पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रनों का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी 20 ओवर में 3 विकेट पर 159 रन बनाए। इस तरह मैच टाई रहा, जिसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर से हुआ। अमेरिका ने सुपर ओवर में बाजी मार ली। बहरहाल हम नजर डालेंगे उन तीन खिलाड़ियों पर जिनकी बदौलत अमेरिका ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। मोनांक पटेल। दरअसल पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रनों का स्कोर बनाया। पाकिस्तान की गेंदबाजी के मद्देनजर लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन अमेरिका की कप्तान मोनांक पटेल ने सूझबूझ का परिचय दिया। अमेरिका के बल्लेबाज लगातार पवेलियन का रुख करते रहे, लेकिन मोनांक पटेल ने एक छोर को मजबूती से थाम रखा, लिहाजा अमेरिका टीम लक्ष्य तक पहुंच गई। मोनांक पटेल ने 38 गेंदों पर 50 रनों की मैच विनिंग इनिंग खेली। सुपर ओवर में चमके भारतीय मूल के सौरव नेत्रवालकर। पाकिस्तान को सुपर ओवर में 19 रनों की दरकार थी। अमेरिकी फैंस की उम्मीदें टिकी थी सौरव नेत्रवालकर पर। इस गेंदबाज ने फैंस को निराश नहीं किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज सौरव नेत्रवालकर की गेंदों पर रन बनाने के लिए तरसते रहे। सौरव नेत्रवालकर के सुपर ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाज महज 13 रन बना सके। इस तरह बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम को 5 रनों से उलटफेर का शिकार होना पड़ा। नोस्टोक केंजिगे की घातक गेंदबाजी। अमेरिका के लिए नोस्टोक केंजिगे ने घातक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। नोस्टोक केंजिगे ने 4 ओवर में 30 रन देकर पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिसमें उस्मान खान, शादाब खान और आजम खान का कीमती विकेट शामिल है। इन विकेट के चलते पाकिस्तानी टीम बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही, साथ ही नोस्टोक केंजिगे की गेंदों पर रन बनाने के लिए जूझते रहे। लिहाजा बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर महज 159 रन ही बना सकी।